नमस्कार, मैं हूं अरविंद सागर। आप देख रहे हैं जनवा टाइम सच के साथ एक कदम। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन की सतर्कता बनाए रखने के लिए पूर्वी दिल्ली, नंदनगरी व सभी क्षेत्रों में अमन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय होकर अपने अपने क्षेत्र में गश्त लगाकर लोगों को घरों में रहने की अपील की है। कल शाम को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की उन 20 जगहों को सील करा दिया है जहां पर कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सबसे ज्यादा पूर्वी दिल्ली पर विशेष नजर रखने को कहा है। दिल्ली सरकार ने सभी दिल्ली वासियों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। देखिए एक रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में खड़ा हूँ और आज से जो है ना दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, क्योंकि रात से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार ने 20 क्षेत्रों को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया, सील कर दिया। इसी के देखते हुए कि यहाँ पर जब हम निकले तो हमने देखा कि गलियों में क्षेत्र की जो गलियाँ हैं उनमें एकदम सूमसाम पड़ा हुआ है। कुछ ही लोग इक्का दुक्का निकल रहे हैं। पुलिस ने पूरी तरीके से एक बहुत अच्छा बंदोबस्त करके लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी है। इसके साथ ही हम जो है ना, जब हमने देखा और क्षेत्र के लोग जो है ना, यहाँ एक पता चला है कि अमन एक्शन कमेटी के कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखे, क्योंकि इनको थाने से परमिशन दी गई है। उसके चलते लोगों को, ये समाज के लोग हैं और इस इलाके में इन्होंने पूरी तरीके से अपनी समाज के लोगों के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं और दिखा रहे हैं कि लोगों को घरों में रहें, घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को समझा भी रहे हैं कि जो है ना, सभी लोग जो है ना अपने मुंह पर मास्क ला के निकले, वरना कोई ना निकले। हमारे पास में ही यहाँ सामने मस्जिद भी है, बिल्कुल बंद है, सारे क्षेत्र बंद हैं। यहाँ के लोग जो है ना, एक केवल मेडिकल स्टोर बस खाली खुला है, बाकी ज़रूरतमंद चीज़ें सारी बंद हैं। क्षेत्र में बहुत एकदम शांति का माहौल है इस समय। अब मैं इस समय जो है ना बात करूँगा, ये जो कुछ लोग जो हैं अमन कमेटी के जो मेंबर हैं, जो पूरी तरीके से मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ तभी से ये न, तो मैं इन्हीं से बात करूँगा। सर नमस्कार, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रवि ठाकुर है। इसे ये आपका जो आई कार्ड है इसे थोड़ा सा ऊपर दिखाना। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रवि ठाकुर है। ये रवि ठाकुर है, इस क्षेत्र ये अमन कमेटी के मेंबर है और भी लोग इनके साथ हैं और ये जो अपने बारे में बताएंगे और क्षेत्र के लोगों के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस तरीके से जो पूरी तरीके से एक्टिव है, तो बताएंगे कि मतलब जनता के बीच और आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि लोगों को क्या क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। लोगों में महामारी ना फैले, इस वजह से इस लॉकडाउन के लिए हम लोग सभी तत्पर हैं कार्य करने के लिए, ताकि हम अपने देश को, अपनी कॉलोनी को, अपने समाज को बचा सकें, ताकि ये महामारी आगे ना फैले। इसलिए हम लोगों ने खुद ही अपने पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर ये निर्णय लिया है कि लोगों से घर से ना निकलने की अपील करेंगे, ताकि लोग अपने घर में सुरक्षित रहें। जय हिंद। कुछ और साथी हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है बबलू खान। सर आपका अपना ये आई कार्ड ऊपर थोड़ा दिखाएंगे, तो आप जो है ना, ये है बबलू खान जी, ये भी जो है ना इसी अमन कमेटी के मेंबर हैं और ये लोग सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी गलियों में जा रहे हैं। आप गलियों में जा रहे हैं तो लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या लोगों को क्या? थोड़ा बच्चे थोड़े परेशान कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें सही से गाइड्स नहीं कर पा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं घर घर जाके, बस यही दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं। बाकी तो हमारे पूरे इलाके में लॉकडाउन बढ़िया अच्छी तरीके से निभाया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोग घरों के अंदर है तो इन लोगों की जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से, इस बारे में आप लोगों ने सोचा है? जैसे लोग जो अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, हो सकता है लोगों के घरों में राशन भी ख़त्म हो गया होगा, तो उसके लिए आप लोग या सरकार उसके लिए क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या है? हम भी कुछ गरीबों की सहायता कर रहे हैं। हमारा एक संस्था है अमन प्रतिभा के नाम से,
हमने भी कुछ राशन बांटा है और दोनों टाइम का दिल्ली सरकार सारे स्कूलों में खाना प्रोवाइड करवा रही है और काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं। और हम ड्यूटी देते हैं पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी, और पूरा लॉकडाउन हमारा जो है अच्छा चल रहा है। ये है आपका शुभ नाम क्या है, आप अपना ये दिखाना, अपना आई कार्ड दिखाना, आपका शुभ नाम? नाम जीत प्रताप सिंह है जी। आप भी बताएंगे कि जैसे आप जो चलते आ रहे हैं सभी गलियों में, देखा है मैंने कि सारी गलियां सुमसाम हुई पड़ी हैं, बिल्कुल एक तरीके से पूरा बंद है, तो इस समय क्या आप लोग जो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और पुलिस ने भी शायद हो सकता है आप लोगों को परमिशन दी है जब भी आप लोग घूम रहे हैं, तो आप भी बताएं कि अपने बारे में और ये क्षेत्र के बारे में। देखिए ऐसा नहीं है कि पुलिस ने हमें कोई स्पेशल परमिशन दी हो, हमारी जो अमन कमेटी दिल्ली पुलिस के नाम से है जी। हम लोग हमेशा से ही, ये नहीं है कि अब लॉकडाउन हो गया है, अब महामारी चल रही है, अभी हम लोग एक्टिव हैं। किसी भी वाद विवाद से संबंधित किसी कहीं भी अशांति हो, वहाँ अमन कायम करने के लिए हमारी टीम सदैव तत्पर रही है, और किसी भी समस्या के लिए भविष्य में देश की हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, और घर घर जाके भी हम लोगों को डोर टू डोर समझा रहे हैं, कॉलोनी में समझा रहे हैं, दिन में समझा रहे हैं, रात में भी हम लोग सारे के सारे ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर, और पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट हम लोग मिल के कर रहे हैं, और हर सफाई कर्मचारी हर डॉक्टर के साथ में हमारी पूरी कमेटी दिन और रात तत्पर लगी हुई है सभी के साथ में। आपके बराबर में ही यहाँ ये दिलसाद गार्डन है और जीटीवी इंक्लेव है जी, जी। तो यहाँ पर कोरोना के मरीज भी पाए गए हैं, तो ये हमारे एक रोड के उस पार है और हम इस पार हैं, तो ऐसा क्या कुछ दहशत है या क्या है, ऐसा कैसा माहौल है? ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स नर्स हैं, जो नर्स हैं उनको वहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं, और हमारे यहाँ पर क्योंकि अमन कमेटी इतनी एक्टिव है हमारे नंदनगरी क्षेत्र के अंदर कि यहाँ पर लॉकडाउन को पूरी तरीके से लागू हम लोग मिलजुल के पुलिस के साथ में कर रहे हैं। धन्यवाद। ये हमने इन लोगों से बात की, अमन कमेटी के जो लोग हैं, ये पूरी पुलिस जो कमेटी है उससे उसके जो लोग हैं और पूरी इसमें क्षेत्र में एक्टिव हैं, पूरी दिल्ली में एक्टिव हैं, तो इन लोगों से बात की, इन्होंने बताया अपने बारे में। तो आप सभी से और बाकी हम भी सभी से अनुरोध करते हैं, लोग सभी अपने घरों में रहें, और ये देखिए सब पूरा क्षेत्र एकदम लॉकडाउन है, बिल्कुल सभी लोग घरों के अंदर हैं, कोई नहीं दिख रहा। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने जो हमारे चैनल पर जो है ना बताना चाहा और बताने की पूरी जानकारी दी। अब मैं एक बार आप सभी से पूछना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारा जनवा टाइम्स जो चैनल है इसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए या दिल्ली की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दिल्ली की जनता के साथ साथ देशवासियों को सभी को यही सूचित कराया जाता है कि सब अपने घर में रहें, इस महामारी से बचें, इसमें भगवान अल्लाह सब अपनी अपनी दुआ कर रहे हैं, लेकिन माने सबको अपने घर में रहकर, इसमें कोई किसी की दुआ काम नहीं आ पाएगी, ये छुआ छूत की बीमारी है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचने के लिए आपको अलग अलग रहना पड़ेगा, घर में संवाद, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। सभी क्षेत्रों के अंदर जो है ना बिल्कुल पूरी तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, पूरा सारी गलियां सुनसान है, इक्का दुक्का कहीं आदमी दिखाई दे रहा है बाकी कहीं नहीं। सभी क्षेत्रों के अंदर देखा है कि सारे लोग अपने अपने घर मतलब घरों के अंदर हैं, सभी गलियों एकदम सुनसान पड़ी हुई हैं, कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई इक्का इक्का दुक्का दिखाई दे रहा है बाकी कोई नहीं। बाकी ये लोग सभी को रोक लेते हैं पूरी तरीके से, और जो है ना पूरा क्षेत्र को जो है ना इलाके के जो लोग हैं अमन कमेटी के जो लोग हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिससे पूरा सभी गलियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और पूरा तरीके से अपना योगदान निभा रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली जो क्षेत्र है आज पूरी तरीके से एक्शन में हुआ है दिल्ली के अंदर, जैसे ही कल रात से डिप्टी सीएम ये देखिए गेट लगा हुआ है ना, पूरा सभी गलियां बंद हैं, सभी सारी गलियां बंद हैं, सारे मंदिर बंद हैं। अभी हमने जिक्र किया था पहले कि वो मस्जिद बंद है, ऐसे ही मंदिर भी बंद हैं, सभी जगह बंद हैं, सारे लोग कोई नहीं निकल सकता बिल्कुल भी, कहीं पर भी चले जाओ कैसे ही किसी भी तरह के, सारे गेट इधर गलियों में सभीों में गली गेट बंद कर रखे हैं पूरा, सभी
दुकानें बंद हैं, ये इस तरीके से सारे शटर डाउन, शटर बंद है, पूरा बंद हो रखा है। जैसे ही जैसे रात दिल्ली के मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम दोनों ने ऐलान किया कि भाई दिल्ली के सभी इलाकों को सील कर दिया, जिसमें 20 इलाके ऐसे हैं जिनको पूरा सील कर दिया है, रोक दिया गया है, कोई कहीं नहीं जाएगा। ऐसे इक्का दुक्का कोई दिख रहा है और कोई वही नहीं दिख रहा, कुछ ही हैं, बाकी सारे बंद हैं, पूरी तरीके से बंद हो रखा है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।